केदारनाथ यात्रा बाय हेलीकॉप्टर बेस्ट मंथ। अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको हेलीकॉप्टर बहुत आराम से मिल जाए, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से है। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि किस मंथ में आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, केदारनाथ धाम की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो कि बहुत कठिन यात्रा है, और इस यात्रा का जो पैदल ट्रैक है वो मंदिर तक कम से कम 21 किलोमीटर का ट्रैक है। और अगर आप पैदल जाते हैं तो पैदल जाने में कम से कम आपको 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो फिर आप हेलीकॉप्टर या पालकी के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको घोड़े की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप किसी जानवर को कष्ट दे के जाएंगे तो वो फिर आपकी यात्रा नहीं रहेगी। अगर मैं बात करूँ पालकी की, तो देखिए पालकी का किराया काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें 4 लोग उठाने वाले होते हैं और 21 किलोमीटर का सफ़र है, तो महंगा तो पड़ेगा ही। तो ऐसे में अब आपके सामने ऑप्शन बचता है हेलीकॉप्टर, यानी आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हेली यात्रा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, इसी के माध्यम से आप केदारनाथ धाम के लिए हेली बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब इस पर बुकिंग खुलती है तो मात्र 1 मिनट में फुल हो जाती है। अगर मैं बात करूँ मई जून तो देखिए काफ़ी पहले फुल हो गया था, अब सितंबर और अक्टूबर भी फुल है। तो ऐसे में अब किस महीने की टिकट आपको यहाँ मिल सकती है? देखिए जो जुलाई और अगस्त का महीना है वो बारिश का महीना होता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ अभी टिकट अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी लोगों का प्लान अभी तक बना नहीं है। लेकिन जुलाई और अगस्त आपका बेस्ट महीना है हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करने का। मैं जानता हूँ ये जो टाइम होता है बरसात का टाइम होता है, लेकिन देखिए बरसात कंटिन्यू नहीं चलती, ऐसा नहीं कि रोज़ की रोज़ बरसात हो रही है। पहले तो आप वेदर देख सकते हैं, तो चलिए पहले सबसे पहले मैं आपको वेदर ही दिखा देता हूँ केदारनाथ धाम का। यहाँ देखिए मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है जिससे फिलहाल मैंने जून का यहाँ कैलेंडर ओपन कर रखा है, और यहाँ देखिए केदारनाथ धाम लिखा है। तो अभी तो देखिए ये मुझे बारिश दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अगस्त की, तो चलिए अगस्त में हम देखते हैं कि हमको क्या दिखाता है। अगस्त में देखिए ये बारिश भी दिखा रहा है और धूप भी दिखा रहा है। तो यहाँ मैं बात करूँगा 15 अगस्त की, यानी 15 अगस्त में अगर किसी को जाना है तो क्या उसको हेली टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और देखिए मौसम भी खुला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बारिश हो रही है, आपको ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बारिश मिलेगी, आपको बारिश तो मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ इतनी भयंकर बारिश होगी जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ मैं 15 अगस्त की बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वेबसाइट पे आगे हम टिकट चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है, अब फिलहाल मैंने एक ग्रुप आईडी यहाँ डाल ली है। हम चेक करते हैं तो देखिए जुलाई अभी पूरा खाली पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ अगस्त की। मुझे मान लिया 15 अगस्त में अपनी यात्रा करनी है, तो इसको देखिए मैंने 15 अगस्त सेलेक्ट किया, यस किया। और अभी आप देखिए यहाँ गुप्त काशी से भी आपको टिकट मिल रहे हैं और सीसी से भी आपको टिकट मिल रहे हैं। फाटा वाले जो टिकट है वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन सीसी से देखिए अभी जो नेक्स्ट डे का है वो भी यहाँ 12 अवेलेबल है, और फिलहाल जो 12 से 3 का टाइम है उसमें 3 अवेलेबल है। अगर आप सेम डे यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें अभी एक एक दो दो अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ किसी और डेट की, तो सपोज करिए मैं 17 तारीख यहाँ से सर्च कर लेता हूँ आपकी अगस्त की। देखिए कोई सी भी तारीख हो, अगस्त की हर तारीख में देखिए आपको यहाँ टिकट मिल जाएंगे। तो अगस्त का महीना बहुत बेहतरीन है, आप चाहें तो जुलाई में भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। एक बार यह वेदर चेक कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं यस पे क्लिक करता हूँ। देखिए अभी सारा का सारी यहाँ सीटें अवेलेबल पड़ी है, और इस बार ही तो यहाँ 3-3 कंपनियाँ उड़ रही थी। पिछले साल तो फिर गिनती की एक ही कंपनी ओनली सीसी से उड़ी थी, लेकिन इस बार तीनों लोकेशन से यानी गुप्त काशी फाटा सीसी से कंपनियाँ उड़ रही है। अगर कंपनियाँ देखी अपनी सर्विस दे रही है तो उनको भी मालूम है कि इस बार जो है उनके हेली उड़ने वाले हैं। हालांकि ये सारा खेल मौसम का है, अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर वो आपको रिफंड दे देंगे। लेकिन देखिए जो आपका अगस्त का महीना होता है उसमें भीड़ बहुत कम होती है, तो अगर मान लिया मौसम ख़राब भी हुआ तो आप अगले दिन के लिए भी अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं, यानी अगले दिन वो आपको मॉर्निंग में भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से करना चाहता है तो उसके लिए जुलाई और अगस्त ये दो महीने बेस्ट हैं। जुलाई की आप कोई सी भी तारीख देखिए यहाँ मैं 24 जुलाई सेलेक्ट किया और यस पे क्लिक किया, तो देखिए सारा का सारा भी यहाँ स्लॉट अवेलेबल है।
हालांकि कुछ कुछ सीटें यहाँ बुक हो चुकी है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना प्लान बना चुके हैं, लेकिन जो जुलाई का महीना है वो सबसे बेस्ट महीना है और जुलाई के महीने में आपको बहुत ही आराम से ऑनलाइन भी हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बात वही है अगर वहाँ भीड़ ज़्यादा हुई तो फिर आपको चांस कम है, लेकिन जुलाई और अगस्त में भीड़ नाम मात्र को होती है तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह से टिकट मिल जाएगी। ऑनलाइन का मैंने आपको दिखाई दिया है और उस टाइम तो देखिए आपको अगर वन साइड चाहिए तो वो भी टिकट बहुत आराम से मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको आराम से हेलीकॉप्टर मिल जाए। तो देखिए जुलाई और अगस्त सबसे बेस्ट महीना है, हालांकि उस टाइम बारिश का टाइम होता है, लेकिन आप वेदर को चेक करके टिकट बुक करिए ताकि आपके 99% चांस रहे उड़ने के और आप बहुत आराम से भोलेनाथ के दर्शन कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।